सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से सैटरडे वीकेंड में आपके साथ फिर रोजाना की तरह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र। आज बात करेंगे सिर्फ आपसे 120 सेकंड, जो घड़ी चल रही है टिक टिक टिक, और बात कर रहे हैं हम, कहते हैं अब चौथे काल में चले जाते हैं, स्वर्णिम युग में चले जाते हैं, जब कहा जाता है लंका पर चढ़ाई करनी थी, श्री राम जी समुद्र के आगे खड़े थे, कैसे उसको या तो समुद्र अपना दिल फाड़ के चीत से रास्ता दे या फिर क्या करे, तब वानर सेना आगे आती है, श्री राम लेकर एक एक पत्थर को समुद्र में डालती जाती है और कहते हैं वह पत्थर ऊपर तैरता जाता है और श्री राम जी सेना उसके आगे बढ़ती जाती है। वह थी एक भक्ति की पराकाष्ठा। और अब उसी पंचम काल में देखते हैं जैन समाज ने सराक बंधु, तो जैन समाज के बिछुड़ गए हैं, जिसको आचार्य श्री ज्ञान सागर जी अपनी तरफ ला रहे हैं। दृश्य आप देख रहे हैं, ये है श्रद्धा और भक्ति नमन करते हैं, जिसको देखकर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के संत, जो काफी समय से सराक के विभिन्न क्षेत्रों में विहार कर रहे हैं, शिलान्यास करवाए उन्होंने मंदिर का, शिखर बनाने के लिए, वेदी बड़ी करने के लिए, और उसके बाद देवल टांड से वह रांची की ओर विहार कर रहे हैं। तेज बारिश हुई, जगह जगह घुटने घुटने से ज्यादा कीचड़ हो गई, तब विहार रुक जाए जैसे, पर कहते हैं यहाँ पर श्रद्धा भक्ति सरोवर में थी, सराक बंधु के बीच में उन्होंने देखे दृश्य में किस तरीके से भक्ति दिखाई, कहीं पानी की पुलिया पड़ जाए, कहीं छोटी नहर पड़ जाए, कहीं कीचड़ में कई मीटर दूर चलना पड़े, लंबा विहार है, या तो रुक जाए या फिर आगे, उन्होंने उन्हें नहीं रोका। उन्होंने कहते हैं देखिए किस तरीके से फट्टे फाटे लगा लगाकर, एक एक फाटा लगाकर उन्हें एक एक जगह बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरह की श्रद्धा भक्ति आज देखकर मन गदगद हो जाता है, और जब सराक बंधु हो तो कहते हैं दिल में सरोवर में उनके प्रति हमारी श्रद्धा उमड़ जाती है, जो हमसे बिछुड़ गए थे हमारे भाऊ, हमारे ही भाई अब हमारे दिल में जुड़ जाते हैं। यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। मुनिषी विशल्य साई संघ किस तरीके आगे बढ़ता है, वे भी गदगद होते हैं, सहारे से आगे बढ़ते हैं, और यह दृश्य हम सबको अभिभूत करते हैं। इस पंचम काल में ऐसी श्रद्धा भक्ति देकर, ऐसे विहार को देकर हम भी बारंबार सादर नमन करते हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ, सादर जय जिनेंद्र।